हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लेट्स एक्सप्लोर गणपति महोत्सव विद इनक्रेडिबल भरूच में। मैं हूँ ध्रुवी पांड्या और आज आप सभी को एक ऐसी जगह पर लेकर आई हूँ जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, पहले तो लोकेशन डिस्क्राइब कर देती हूँ और सस्पेंस थोड़ा सा बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा इस जगह के बारे में स्पेशल चीज़ क्या है। सो ये प्लेस जो है वो है श्रीजीपुरी में बड़ेली खो, जो साधना स्कूल के सामने है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, दैट इज नियर टू सुनेरी महल इन भरूच। नाउ फोकस ऑन द डेकोरेशन एंड गणपति बप्पा, लुक एट द वे कैसे ब्यूटीफुली। यहाँ पर एक गिफ्ट का बॉक्स दिख रहा होगा आपको क्योंकि यहाँ पर जो थीम उन्होंने सेट करी है वो बेसिकली बिल्कुल वैसी है जैसी यहाँ पर जो बेसिकली थीम सेट करी है। आप ध्यान से देखिएगा जो नोटबुक के जो गुजराती माँ के मैंने पुट्ठा हॉय खाकी पुट्ठा नोटबुक ना पुट्ठा उन सारी चीज़ों से गणपति बप्पा को जो है वो बनाया गया है। ध्यान से देखिए गिफ्ट बॉक्स भी है, तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ दिखाती हैं कि एक्चुअल इको फ्रेंडली गणपति बप्पा क्या है। और वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है, लेकिन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने इस जर्नी को फेस किया है, जिन्होंने इस जर्नी को देखा है, जिया है। हमारे साथ शिवा यज्ञ समिति के राकेश भाई हैं जो इतने सालों से मूर्ति जो है गणपति बप्पा की वो बना रहे हैं, साथ ही साथ क्या जर्नी रही है उनकी, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। सो यस राकेश सर, प्लीज आप बताएंगे। मैं राकेश भट्ट, यहाँ भरूच गुजरात स्थित भरूच जिले में बड़ेली खो श्रीजीपुरी युवक मंडल में पिछले 30 सालों से बेस्ट फ्रॉम वेस्ट और इको फ्रेंडली थीम से हम 30 सालों से गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं। ये कंसेप्ट 30 सालों से इधर चल रहा है, पूरा युवक मंडल इसमें जुड़ता है और गणपति जी का उत्सव जब भी आता है उसके 30-40 दिन पहले से ही ये मूर्ति बनना ये शुरू हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का POP या प्लास्टिक पॉलीथीन या थर्मोकोल जो बोलते हैं एस्बेस्टोस वगैरह की इसमें हम यूज़ करते नहीं हैं। और हम एक समाज को संदेश देना चाहते हैं कि भाई ऐसे टीम वर्क करके हम ऐसी ऐसी गणेश जी की मूर्तियाँ 2 फुट से लेके 10 से 12 फुट तक हम बना सकते हैं। हमने आपने देखी होगी फोटोज़ में कि कहीं कहीं अलग अलग एलिमेंट्स की कहीं कहीं अलग वस्तुएँ की हमने चीज़ की जो मूर्तियाँ बनाई है इसमें, मानो के कोई ग्रेन्स की मूर्तियाँ बनाई है, फिर इस टाइम हमने जो भी कार्डबोर्ड्स हैं उसमें से मूर्ति बनाई है। शुरुआत हमने जो अपना जो कोकोनट होता था उनके जो रेपर्स जो छिलके होते थे तभी से बनाने की शुरुआत की है। तो हम सब में देश भर में लाखों युवक मंडल है, तो लाखों युवक मंडल में सभी के पास कोई ना कोई ऐसी कारीगरी है, कोई ना कोई ऐसी विशेषता है जो विशेषता को प्रदर्शित करे, उसको पर्सोनलाइज करे, उसको कल्टीवेट करे। तो कोई हर एक आदमी में जो विशेषता है इससे समाज को एक अच्छी वस्तु मिल सकती है, समाज को एक अच्छी दिशा मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। तो गणेश उत्सव अल्टीमेटली यही दिखाता है। दूसरा एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सभी मूर्तियाँ हैं वो 1000-1200 रुपये के आसपास पे बन जाते हैं, उसका प्रिपरेशन हो जाता है। तो क्या है कि युवक मंडल को ऐसा बहुत खर्चा भी नहीं लगता है और कम से कम बजट में ये पूरा गणेश उत्सव सादगीपूर्ण रीत से अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राकेश सर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये भरूच के अंदर बहुत प्राउड होने वाली बात है क्योंकि हमारे भरूच के लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव है। तो यस, आप भी भरूच के हो, सो कीप ऑन शेयरिंग, बहुत से लोगों तक ये बात पहुँचानी है। सारी इन्फॉर्मेशन एड्रेस के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वंस अगेन, आई एम ध्रुवी पांड्या एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट एपिसोड कौन सा देखना है आप सभी को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।